और घोषणा किया गया कि कल राम राजा बनेंगे। कितनी बड़ी बात, व्यक्ति को 1000 की प्रॉपर्टी मिलने की घोषणा हो तो महाराज व्यक्ति फूल समाता, अगले दिन नाम मिले तो भटक जाता है। राजा सुबह पिताजी ने कहा बन को जा, माँ से जाके बोले पितु दीन मोहे कानन राजो, माँ पिताजी ने मुझे बन का राज्य दे दिया, बन चले गए। कोई चेहरे पे शिकस्त नहीं, कोई परेशानी नहीं, भाई को राज्य मिले इस बात का कोई दुख नहीं, ऐसा धैर्य राम से सीखना चाहिए। हम तो छोटी छोटी विपत्तियों पर घबराते हैं, डरते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं। राम से सीखिए धैर्य को जीवन में कैसे अप्लाई किया जाता है। पेशेंस पे एक वर्ड है अंग्रेजी में, पेशेंस पे, पेशेंस कैसे रखना चाहिए। वन को गए तो राजकुमार राम गए थे, राज तिलक की घोषणा राजकुमार राम की हुई थी, जब वन गए तो राजकुमार राम गए। 14 वर्ष बाद जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के लौटे। ऐसा धर्म का, रामो विग्रहवान धर्म, महाराज धर्म की प्रतिमूर्ति। पेशेंस इंसान को भगवान बना, इसलिए पेशेंस अपने भीतर रखो, थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र। सब्र नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, राम से सीखने की कोई कई बात है। महाराज श्री राम वन में निकले, माता सीता वन में संग चली, भरत जी लेने गए, ठाकुर जी लौटे नहीं, भरत को लौटा दिया, चरण पादुका लेके भरत लौटे। भगवान आगे बढ़े, जनक नंदनी सीता से कहा तुम अग्नि में प्रवेश करो, हम आगे की लीला करना चाहते हैं। तो माँ जाने की अग्नि में गई, छाया सीता प्रकट हुई, रावण आए, छाया सीता का हरण किया। रावण की इतनी शक्ति नहीं कि राम की पत्नी को हरण कर ले। उसके पश्चात भगवान आगे बढ़े तो सबरी माता को आनंद प्रदान करने के लिए, हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते थे लाला तुम जानते हो राम जी का जन्म क्यों हुआ? मैंने कहा ना गुरुजी, मुझे तो नहीं पता क्यों हुआ, आप बताओ। तो गुरुजी बोले बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। मैंने कहा गुरुजी राम जी रावण को मारने के लिए शायद पृथ्वी पर आए होंगे, नारायण के रूप है। सुनो ध्यान से, तो गुरुदेव भगवान बोले रावण को मारना होता तो वैकुंठ से सुदर्शन चक्र भेज देते, मार के वापिस लौट आता। हमने कहा गुरुदेव हो सकता है बहुत सारे संतों से भगवान मिले, तो उन संतों से मिलने के लिए वन की यात्रा करने के लिए भगवान ने वनवास लिया होगा, इसलिए आए होंगे। बोले संतों से मिलना होता तो वनवास में क्या भेंट पकड़ पाए, संतों को घर पे बुलाते, इतने बड़ा राजपाट था, यज्ञ करवाते, भोजन करवाते, दक्षिणा देते, तो ये मिलना और सुखद होता। बन बन ठाकुर जी क्यों भटकते? तो मैंने कहा गुरुदेव बताइए फिर ठाकुर जी क्यों गए? बोले ठाकुर जी इसलिए गए, बन में एक बुढ़िया बरसों से याद कर रही है, ठाकुर जी सबरी के लिए गए। सबर जात में उत्पन्न हुई एक छोटी सी बच्ची, शादी की तैयारी थी घर में, बहुत सारे पशुओं को बंधक बना के रख दिया गया था। माँ बाल बना रही थी सबरी की, माँ ये पशु किस लिए बांध दिए हैं? बोले आज तुम्हारी शादी बिटिया, भोज बनेगा तो पशुओं का भोज बनेगा, इसलिए। सबरी दौड़ के गई, कुंडी खोल दी, बोले भगो सबसे, सब यहां से। जाते जाते पशु बोले सबरी तूने हमें बंधन मुक्त किया, तू जीवन मुक्त हो जाना, हम आशीर्वाद देते। पशुओं ने आशीर्वाद दिया, घर छोड़ के भग पड़ी, शादी नहीं करनी। जिस शादी के करने से इतने पशु मर जाए वो शादी स्वीकार नहीं। वन में गई, संतों से आश्रय मांगा, मुझे अपने यहाँ रख लीजिए ना, मुझे अपने यहाँ रख लीजिए ना। तब की वर्ण व्यवस्था भील जाति में उत्पन्न हुई, उसमें भी लड़की, उसमें भी भील जाति की उस समय की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण किसी को दिए नहीं महाराज रहने को, क्या करें? बोले दिन भर लकड़ी बीनती, और रात को जब सो जाएं सब, सबकी आश्रम के दरवाजे पे गेट पे रखे आती। एक दिन मतंग मुनि के शिष्यों ने कहा गुरुदेव सुबह समिधा लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गेट पे मिलती है रोज सुबह, रात को पहरा दो। रात को पहरा दिया तो एक छोटी सी बच्ची सिर पर, महाराज
गठरी लेके आई और रखा। जैसे आई तो शिष्यों ने पकड़ लिया, रुक जाओ। मत्तंग मुनि बाहर आए, कपकपाती हुई एक 8 साल की लड़की सामने से आई और प्रणाम किया। बोले स्वामी हमें माफ करना, स्वामी हमें हमसे गलती हो गई क्या? मत्तंग मुनि बोले बिटिया रात रात भर जगती है, तू क्यों इस तरह का काम करती है? बोले मैं घर से भागी आई, कोई रहने नहीं देता, तो सेवा का मौका इस तरह ले रही हूँ, रात को बिना दिखाए सेवा करती हूँ। मत्तंग मुनि बोले बेटा डरने की आवश्यकता नहीं, तू मेरी कुटिया में रह, लकड़ी नहीं बिनना, तू भजन करने आई ना, तू भजन कर, कोई बात नहीं। तो एक छोटी सी झोपड़ी बना दी, ले बेटा राम जी का भजन कर, खूब जप करना। वो सुबुरी जप करने लगी। एक दिन सब शिष्य कोलाहल मचाने लगे, गुरुजी शरीर त्याग रहे, गुरुजी शरीर त्याग रहे। सबरी भी दौड़ी दौड़ी गई और महाराज सब शिष्यों को गुरुजी ने किसी को झोली पकड़ाई, किसी को माला पकड़ाई, किसी को आसन, किसी को अपनी धोती पकड़ा दी, तू ये ले ले। जब सबरी पहुंची तो गुरुजी के पास कुछ भी नहीं था। गुरु बोले बेटा सब तो बांट दिया, कुछ नहीं है देने के लिए। हाँ बेटा वस्तुएं बांट दी है, पर जीवन भर जिसका भजन किया है ना, अभी उसको नहीं बांटा। इन लोगों को वस्तु दिया है, तुझे आशीर्वाद देता हूं, जा तुझे राम मिलेगा। सबरी बोली गुरुदेव राम मिलेंगे? बोले हाँ बेटा तुम्हें राम मिलेगा। सबरी बोली राम को ढूंढने कहां जाऊंगी गुरुजी, मैं तो इतना पढ़ लिख भी नहीं पाई, आपकी सेवा में रह के ज्यादा भजन भी नहीं कर पाई, ज्यादा ज्ञान भी नहीं, राम कहाँ रहते गुरुजी, मैं राम को ढूंढने कहाँ जाऊं? गुरुजी कोई एड्रेस कोई पता तो होगा राम जी का? मत्तंग मुनि बोले बिटिया तेरा प्रेम इतना सुंदर है, इतना निर्मल है, तुझे राम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मेरा आशीर्वाद है, एक दिन राम तुझे ढूंढते चला आएगा, तुझे ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, राम तुझे ढूंढने आएगा। इतना कहकर गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। 8 वर्ष की बालिका जाते जाते गुरुजी बोल गए राम तुझे ढूंढने आएंगे। अब परेशान हो गई, आएंगे तो कब, कल परसों नरसों? गुरुजी कहें तो आएंगे जरूर, हमारे गुरुजी ऐसे बात नहीं करते। राम जी आएंगे, दौड़ के गई झाड़ू पकड़ी, गुरुजी का संस्कार हुआ, पर जो दिव्य ज्योति, गुरुजी को प्रणाम किया, झाड़ू बुहारू करने लगी, कुटिया को सजाया, दौड़ के गई बेड़ तोड़ के लाके रखी, क्या पता राम जी अभी आ जाए। आज किया, कल किया, परसों किया, संत चलते हैं रोड में झाड़ू लगा रही, क्यों लगा रही है? गुरुजी बोल गए राम जी आएंगे। अरे पागल, तुझे तुझसे मिलने राम आएंगे? हम भोग लगा लगा के घंटी बजा बजा के थक गए हैं, आज तक हमारे यहाँ जो नहीं आया तेरे पास क्यों आएंगे? कोई राम वाम नहीं आने वाला, सब बेकार की बातें, छोड़ तू इस तरह की बातें, कोई नहीं आने वाला, हमारा रास्ता और खराब, हमें अशुद्ध और कर देती है तू आके, तू भील जाति की पैदा हुई, तू नीच है और तू हमें स्पर्श कर देती है, तेरे द्वारा झाड़ू का कंकड़ हमारे उस पर लगता है। महाराज संत अपमान करते हैं पर सबरी सेवा करती है, गुरु वचनों में ऐसा विश्वास। 8 साल की सबरी 80 साल की हो गई साहब, अब तो चला भी नहीं जाता, झाड़ू लगाना ही बड़ा मुश्किल है। वही लोग हैं, साधु कहते हैं ये डोकरी देखो पागल, इतने साल हो गए, हम बोलती है राम नहीं आने वाला, तो नहीं आएंगे भाई, तो काय परेशान हो रही है? राम नहीं आएंगे, उतनी परेशान मत हो, खूब अपमानित किया। पर सबरी रोज वही झाड़ू लगाती है, पुष्प तोड़ के लाती है, बेर तोड़ के लाती है, बुढ़ी हो गई, चला नहीं जाता। 8 साल की थी तब गुरुदेव भूल के गए थे, गुरु वचनों पे पूर्ण विश्वास है। आज राम जी को वनवास हुआ, राम जी आए, संतों को पता चला कि महाराज दशरथ नंदन, महाराज अयोध्या के राजकुमार, परब्रह्म स्वरूप के राम वन में आए हैं, तो पुष्प लेके स्वस्तिवाचन मंत्र पढ़ते हुए शुद्ध तरीके से राम जी का वेलकम करने के लिए संत पुष्प शंख घंट मृदंग आदि लेके वेलकम करने के लिए गए, स्वस्तिवाचन करने लगे।
राम जी ने प्रणाम किया, संत आपका स्वागत मैं बाली में स्वीकार करूंगा, भगवान ये बताइए मेरी माँ सबरी की कुटिया किधर है, मेरी माँ सबरी की कुटिया किधर है। संतों के जमी के तले से पाव खिसक गई, बुढ़िया रोज झाड़ू लगाती थी, राम तो सच में उसके लिए आए, हमारी शुद्धता पवित्रता को त्याग कर राम एक भीलिनी के यहाँ जा रहे। राम इधर से निकल पड़े, उधर सबरी बैठी है, राम तुम कब आओगे, तुम्हें याद करते करते जिंदगी निकल गई मेरी, पर तुम आओगे कब है रघुकुल के नंदन, तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती, तुम आओगे गुरु वचनों पे भरोसा है, इसलिए इस शरीर को त्याग भी नहीं सकती, मर भी नहीं सकती, तुम्हारा नाम रटते रटते तुम्हें याद करते करते मेरी जिंदगी ऐसी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भीलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी भिलनी के जाए भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरी भिलनी के जाए भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर राह साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर राह साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बैरन से भरी, मीठे मीठे बैरन से भरी लाई में छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा
श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगी, पद पंकज के रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, पद पंकज के रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए, प्रभु जी मुझको भूल गए, वो दास की खबरिया दामा रामा रखते रखते प्रीति रे उमरिया, दामा रामा रखते रखते प्रीति रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलन की गगरिया दामा रामा रखते रखते वर्ष की हो गई इंतजार में है, एक दिन तो आओगे। गुरु वचन वृथा नहीं हो सकता, माने वृथा नहीं हो सकता, आओगे जरूर एक दिन। आज मतंग मुनि के वचनों को पूरा करने 80 वर्ष का लंबा इंतजार, दूर से सबरी ने देखा दो कुमार चलकर आ रहे हैं, केवल दो कुमार, कोई नहीं पीछे, सबको रोक दिया संतों को भगवान ने, आप इधर ही विराजमान रहिए, हम बाद में आएंगे। दूर से आते देखा, झरझर झरझर आंखों से बरसात ऐसी हुई, दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों बंद की? इतनी सुकोमल बालक मैं बुढ़िया, मेरी आंखें मेरी नजर ने इनको चुभ जाए, इसलिए सबरी ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद है, राम जी भी पिल 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 आंखों में अश्रु भरते हुए सबरी की ओर बढ़ रहे हैं। सामने पहुंच गए, माता आंखें खोलो, आंखें खोली, सामने राम खड़े हैं। विश्वास नहीं होता, राम सच में आ गए। हाथ पकड़ के राम जी ने अपने हाथों में लगाया, मां तेरा बेटा आ गया है। हाथ लगा, सिर से देखा, बालों पे हाथ फेरा, गालों पे हाथ फेरा। गुरु जी ने जैसा स्वरूप बताया था वैसा ही है। तन घनश्यामा, घनश्याम स्वरूप है, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा सुख सागर सामने है, सबरी सब होश भूल जाती है, राम को निहारती है। राम सबरी को बिठाते हैं, मां बैठे जाओ। सबरी ने प्रणाम किया, मातृवत भाव ऐसा प्रकट हुआ, पशुओं को बचाने के लिए शादी त्याग दिया, संतान त्याग दिया, तो क्या फर्क पड़ता है,
राम जैसा बेटा मिल गया 80 साल की उम्र में साहब, क्या फर्क पड़ता है, राम बेटा बन गया। और जब भी बेटा माँ के पास पहुंचता है तो उसको भूख लगती हो, चाहे कृष्ण विदुरानी के पास पहुंचे चाहे राम सबरी के पास पहुंचे, जो भगवान जब भी बेटा बन जाते हैं दोनों भूखे हो जाते हैं। बोले माँ भूख लग रही है। सबरी सोची इनको क्या खवाऊं, पंडित जी लोग बताते हैं वस्त्र बदल के शुद्धता से बनाना चाहिए, तुलसी छोड़नी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, कुछ है तो नहीं मेरे पास। हे बैर, पहली बार मेरे घर पे आए हैं, बैर का क्या भरोसा, कौन मीठा है कौन खट्टा कौन सा है, गलती से मुंह में खट्टा चला गया तो फिर इससे बुरी बात। एक बेर को उठाती है बुढ़िया, दांत से काटती है, थोड़ा सा चखती है, बोले ये स्वादिष्ट है, ले बेटा खा ले इसको। संतों के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में घंटी धरी की धरी रह जाती है, साहब जीम रहे हैं, झूठे बेर जीम रहे हैं। क्या मंत्र, क्या वेद, ठाकुर जी वेद को बाद में समझते हैं, वेदना को पहले समझते हैं साहब। सबरी की वेदना वेद से ऊपर चली गई, ठाकुर जी बेन जी बड़ा। ठाकुर जी ने माता सबरी को, सबरी बोली सरकार गुरुदेव तो उपदेश देते देते चल बसे, इस बुढ़िया को कुछ ज्ञान नहीं, 80 वर्ष की हो गई हूँ, कुछ तो बता दीजिए। देखो सत्संग की महिमा, भगवान मिल गए तो भी सबरी सत्संग मांगती है प्रभु। तो भगवान ने यही बात कही, प्रथम भगति संत न कर संगा। माँ सबरी भक्ति का पहला स्वरूप यही है कि साधु ब्राह्मणों का संग करो, संतों के चरणों का आश्रय लो। और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति यह है कि उनके चरणों में बैठकर मेरी कथाओं का रसस्वादन करो, तुम्हारा मन मेरी कथाओं में लगे। और जब गुरुदेव घर पे आए, संत ब्राह्मण घर पे आए, तो मोते अधिक संत कर लेखा। अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो बात रामायण में तुलसी बाबा लिख गए वो बात बोल रहा हूं। संतों की सेवा करे मां सबरी, सत्संग का आनंद ले रही 80 वर्ष की आयु में। समझो सत्संग 8 वर्ष के वालों के लिए भी है और 80 वर्ष वालों के लिए भी है, उसको जीवन में उतारना चाहिए। सबरी को ठाकुर जी आनंद प्रदान। भगवान श्री राम और शबरी के विषय में चर्चा करने के लिए तो घंटों चाहिए, घंटों चाहिए महाराज, कहो तो 7 दिन इसी विषय में निकल जाएंगे, पर समय की मर्यादा है। राम कथा को प्रणाम करते हैं।